आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक ऐसे रसूखदार नेता की कि इनका रसूख इतना था कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री इनके दरबारी होते थे। ये संजय गांधी के खास दोस्त और क्लासमेट रहे। अकबर अहमद डंपी। इनका जन्म आजमगढ़ के बिंदवल में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता जनाब इस्लाम अहमद आईजी पुलिस उत्तर प्रदेश और राज्यपाल सीपीएन सिंह के सलाहकार रहे। दादा सर इकबाल अहमद बैरिस्टर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे व भारतीय संविधान निर्माण समिति के विशिष्ट सदस्य थे। नाना अब्दुल गनी अंसारी इनकम टैक्स कमिश्नर और चार राज्यों के राज्यपालों के सलाहकार रहे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दून के कैनन स्कूल से हुई। उसके बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से पूरा किया। उसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन से चार्टर्ड अकाउंट की डिग्री हासिल की। 1977 लोकसभा में कांग्रेस की हार के बाद संजय गांधी को अपने स्कूली टाइम के दोस्त रहे अकबर अहमद डंपी की याद आई। उन्होंने लंदन से उनको दिल्ली बुलाया, जबकि अकबर अहमद डंपी लंदन के एक बड़े ओहदे पर काम कर रहे थे। दिल्ली आकर उन्होंने संजय गांधी के साथ पूरे देश में कांग्रेस के लिए जन आंदोलन चलाया और पुनः कांग्रेस 1980 में केंद्र की सत्ता में आई। 1980 में हल्द्वानी और 1986 काशीपुर उपचुनाव में विधायक चुने गए। 1984 में संजय मंच के बैनर पर नैनीताल बहेड़ी लोकसभा चुनाव लड़ा और 85,000 वोट पाए। 1989 में राजीव गांधी के चुनाव क्षेत्र अमेठी के मुख्य चुनाव पर भारी बनाए गए। 1991 में बरेली लोकसभा से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और राम लहर में 1,97,000 वोट पाए। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत पर 14 जनवरी 1993 को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के खिलाफ बरेली कचहरी पर विशाल धरना दिया और बरेली पुलिस प्रशासन के जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाई। उक्त धरना 24 जनवरी तक जारी रहा। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 1992 में इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। 1998 में बसपा के टिकट पर आजमगढ़ से लोकसभा के लिए चुने गए। बात 1999 की है। केंद्र में बीजेपी की सरकार को बहुमत साबित करने के लिए एक वोट की जरूरत थी। तब बीजेपी ने अकबर अहमद से संपर्क किया, धन और कैबिनेट मंत्री पद का लालच दिया। तब इन्होंने बीजेपी के द्वारा दिए गए ऑफर को नकार दिया और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक वोट से गिरा दिया। इसके बाद 2008 में बसपा के टिकट पर आजमगढ़ से लोकसभा के लिए चुने गए। हमारी वीडियो कैसे लगी दोस्तों, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना तथा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना।